Myself Ananta Gupta. My father's name is Mr. Sanjay Kumar Gupta and my mother's name is Mrs. Alka Gupta. I scored 97% in CBSE board exams 12th class and I did 12th class from St. Mary's School. I scored 97.8% in 10th CBSE board exams and I studied till 10th in Lord Mahavira Academy. I scored 100 out of 100 in biology in 12th class. I thought I could score a bit more in chemistry. मैं बस सभी स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करूँगी कि जैसा आपके टीचर्स कहते हैं आप वही सब फॉलो करें, जो जो वो आपको कहते हैं उसी उस पाथ पे चलते रहें, एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करें, अपने पेरेंट्स को प्राउड बनाने का अपना मोटिवेशन रखें। पहली बात दिमाग में ये रखो कि अपनी प्रिपरेशन पूरी रखो, अगर प्रिपरेशन पूरी रहेगी तो आधा फियर तो वहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बस अपने मन को पूरा रिलैक्स रखो, कोशिश करो कि एग्ज़ाम से पहले मेडिटेट करो, उस वो भी काफ़ी हेल्प करता है, थोड़ा रिलैक्स रहता है, ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना एग्ज़ाम के टाइम पे, वो बहुत ज़्यादा एक बड़ा क्रूशियल स्टेप होता है जहाँ पे मार्क्स गिर जाते हैं। तो बस हमें अपने आप को पूरी कोशिश करनी है रिलैक्स रखने की एग्ज़ाम के टाइम पे। क्या बनने की इच्छा? डॉक्टर। एक तो मेरी फैमिली में सबका ड्रीम रहा है शुरू से मुझे डॉक्टर बनाने का, तो वही मेरे लिए एक सबसे बड़ा मोटिवेशन का सोर्स था कि मुझे भी एक बड़ा होकर बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है। कई बार क्या होता है कि हमारी इच्छा कुछ और होती है, परिवार की इच्छा कुछ और होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं परिवार की इच्छा को पूरा करने के लिए आप कर रहे हैं या खुद की इच्छा भी? मेरी खुद की इतनी मतलब कोई वैसे बड़ी इच्छा नहीं थी, मेरा शुरू से मकसद यही रहा है कि मैं अपनी फैमिली में सबको खुश करूँ और प्राउड फील करूँ। शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? शिक्षक की तो सबसे बड़ी भूमिका होती है एक अच्छी परसेंटेज में, वो उन्होंने ही हमें 2 साल तक गाइड किया कि हमें कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, क्या हमारा रूटीन होना चाहिए पढ़ते टाइम, और जब भी हम डिमोटिवेट फील करते थे तो वही हमको क्लास में मोटिवेट करते थे कि हमें ऐसे ही पढ़ना जारी रखना है, इसी वजह से हम लास्ट में इतना अच्छा स्कोर कर पाए। मेरी राय सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहेगी कि सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो भी दौर आया था कि जब मैं रात को लेट जाग के पढ़ती थी, लेकिन जब मैंने सुबह उठकर पढ़ना शुरू किया तो मुझे उसमें अलग ही डिफरेंस पता चला। सुबह उठकर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक अलग डिफरेंस होता है, हम जल्दी चीज़ों को ग्रास कर पाते हैं। तो पहला एडवाइस तो मेरी यही रहेगी। दूसरी मेरी ये रहेगी कि आपको क्या करना है उस प्रोसेस में, आप ज़्यादा अपनी तरफ से ओवरथिंक ना करें, बस जो आपके टीचर्स कह रहे हैं उसी को फॉलो करते रहे। जब हम ज़्यादा अपनी तरफ से सोचने लगते हैं ना कि हमें वो भी कर लेना चाहिए अलग अलग चीज़ों से, तो प्रोसेस में थोड़ी खराबी आ जाती है और वहाँ पे हम शायद कभी कभी हैंडल नहीं कर पाते। आप क्रेडिट किसे देना? मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स को और टीचर्स को। मेन स्ट्रैटेजी तो यही है कि जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको अच्छे से फॉलो करना है, और नेक्स्ट स्ट्रैटेजी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो जो टेस्ट आपके इंस्टीट्यूट में हो रहे हैं उनको रेगुलरली देना है। कोशिश करो कि कोई भी टेस्ट स्किप ना हो, क्योंकि टेस्ट हमें बहुत अच्छी तरह गाइड करता है कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं और क्या हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो अगर हम कहीं किसी पॉइंट पे लैग कर रहे हैं तो हम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें। और मैंने ये देखा है कि काफ़ी बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, जैसे नीट हो गया, तो उसमें वो सब्जेक्टिव टेस्ट को बहुत इग्नोर करते हैं। बट सब्जेक्टिव टेस्ट भी एक तरह पे बहुत ज़्यादा हमें वो प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। तो कोशिश करें कि जो जो टेस्ट हो रहे हैं वो सब दें जो आपके सर के हैं। टेस्ट हमारे इन दो साल की जर्नी में, एक तो हमारे हर चैप्टर के बाद टेस्ट होते थे, फिर हमारे यूनिट टेस्ट होते थे, और लास्ट में जाकर हमारे फुल लेंथ टेस्ट भी हुए हैं। बीच में हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मिक्स्ड पार्ट टेस्ट भी बहुत दिए हैं। तो फाइनली अगर हम राउंड फिगर देखें तो हमारे 200 से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं, और मेरा मानना है कि शायद ABC इंस्टीट्यूट में जितने टेस्ट होते हैं उतने शायद कहीं नहीं होते, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तो ये आपको बहुत हेल्प करता है बोर्ड एग्ज़ाम में भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी। यही कारण है कि मैं बोर्ड जैसे एग्ज़ाम में बायोलॉजी में 100 out of 100 स्कोर कर पाई, और नीट का एग्ज़ाम देने के बाद भी मैं काफ़ी कम्फर्टेबल फील कर रही थी। मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता है और हमारी बिटिया अनंता गुप्ता ने इस बार 12th एग्ज़ाम 97% मार्क्स से टॉप किया है। इसने बायो में
100 में से आउट ऑफ 100 मार्क्स प्राप्त करके हमें एक प्राउड फील कराया है। और इस सब का अगर मैं श्रेय देना चाहूँ तो इनके जो टीचर हैं और अनंता खुद है, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ने वाला हो और एक अच्छा टीचर पढ़ाने वाला हो तो इसमें शाहिद सर का बहुत थैंक्स, जिनकी मेहनत और उससे ये बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाई। मेरा नाम अलका गुप्ता है और मेरी बेटी अनंता गुप्ता, इसने अनंता गुप्ता ने 12th एग्जाम में बायो में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हम रजनी रानी है, अनंता की ताई जी हूँ। और हमारा सबका सपना था परिवार में कि हम इसे डॉक्टर बनाएंगे, और हमें लगता था ये कर भी जाएगी ये काम, तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत गर्व है, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है, हमें बहुत खुशी हुई, हमारे पूरे परिवार में बड़ा खुशी का माहौल है। मैं गौरव मित्तल, अनंता का बड़ा भाई। अनंत ने जब 10th का एग्ज़ाम पास किया था तो तभी से हमने एक सपना देखा था कि परिवार में से एक बंदा जो है वो डॉक्टर में जरूर निकले, तो इसलिए हमने उसको फिर 11th में PCB दिलाई। और सईद सर के पास उन्होंने 2 साल मेहनत बहुत कड़ी करके, सर ने मेहनत की है और बहुत अच्छे से उसने सब 11th के एग्ज़ाम दिए, 12th के एग्ज़ाम दिए, बल्कि 12th के एग्ज़ाम में उसके बायो में 100 out of 100 आए हैं। और सही सर की बहुत मेहनत है, उसमें उन्होंने संडे नहीं देखा, छुट्टी नहीं देखी, टेस्ट जो रूटीन के टेस्ट थे कम से कम 200 टेस्ट 2 साल में लगभग उन्होंने लिए होंगे इनके। और ऐसे ही 12th के एग्ज़ाम में उसके इतने अच्छे नंबर आए, 97% आए हैं, अपने स्कूल में उसने बाकायदा टॉप भी किया है। और अब नीट का उसका रिजल्ट आने वाला है, तो आई होप कि वो अच्छे रैंक से वो जाए और बेस्ट कॉलेज उसको मिले, और जो परिवार का सपना है और जो उसका अपना खुद का सपना जो बन गया है वो उसको साकार करें। मैं शिव कुमार गुप्ता, अनंता गुप्ता का तौजी हूँ। मैं मेरी इच्छा है कि अनंता एक अच्छी डॉक्टर बन जाए, हमारे परिवार की यही इच्छा है। मैं शाहिद अंसारी, डायरेक्टर ABC इंस्टीट्यूट सहारनपुर, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ अनंता गुप्ता को, जिसने कक्षा 12 CBSE बोर्ड से और सेंट मेरीज स्कूल चिल्काना रोड से टॉप करके पास की है। इसके कक्षा 12 में 97% ओवरऑल स्कोर है और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में इसने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। अनंता गुप्ता ने कक्षा 10 लॉर्ड महावीरा एकेडमी से पास की थी और वहां पर भी इसने कक्षा 10 में मैथ जैसे कठिन सब्जेक्ट में 100 में से 100 अंक, साइंस में भी 100 में से 100 अंक प्राप्त किए थे। ये एक बहुत ही होनहार बालिका है और अपने माता पिता और दादा दादी, ताऊजी ताईजी सभी का नाम रोशन करने में सक्षम है, और उसने ये करके कक्षा 10 व 12 दोनों में दिखाया। अनंता गुप्ता का सपना तो था कि वो CA बने, लेकिन जैसे कि माता पिता व परिवारजनों का ये उससे ये उम्मीद थी कि जैसे कि होनहार बालिका है ये डॉक्टर बने और उनका नाम रोशन करे, उसके लिए उसने कक्षा 10 में लॉर्ड महावीरा एकेडमी टॉप किया, उसके बाद कक्षा 12 में सेंट मेरी स्कूल को टॉप किया और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में और बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 अंक प्राप्त किए। जैसे कि मैं जानता हूँ अनंता गुप्ता के बारे में, ये बहुत ही होनहार बालिका है, इसने 2 साल तक पूरा कठिन परिश्रम किया, रेगुलर क्लासेस की, कभी छुट्टी नहीं की और रेगुलर टेस्ट दिए, इसने कोई भी टेस्ट मिस नहीं किया, इवन चाहे वो थ्योरी के टेस्ट रहे हों या फिर नीट के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स। और इसको पहले से मालूम था कि कोई भी सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, उसके लिए बहुत सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन इसने बोर्ड एग्जाम्स तक भी और उसके बाद फिर नीट एग्जाम के 2 दिन पहले तक भी ABC इंस्टीट्यूट आकर के रेगुलर टेस्ट दिए, और इसकी लगन, मेहनत और अथक प्रयासों से ही ये सफलता अर्जित हुई। मैं डायरेक्टर ABC इंस्टीट्यूट सहारनपुर, डॉक्टर शाहिद अंसारी, अनंता गुप्ता, इसके माता पिता और इसके सभी परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उसके बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 अंक लाने के लिए। सेंट मेरी स्कूल में इन्होंने 97% के साथ टॉप किया है उसके लिए, और भविष्य में एक अच्छा डॉक्टर बनकर सहारनपुर का नाम भारत ही नहीं पूरी दुनिया में रोशन करें। धन्यवाद।